ऊपर फेंको ना, ऊपर फेंको ना यार, फेंको ऊपर सबसे ले लेके। हाँ भाई, ये चैप्टर आज उनकी तबीयत गड़बड़ है इसलिए मैं आ गया। ये चैप्टर मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मगर आप डाउट पूछो, मैं नया कुछ चालू भी नहीं कर सकता, क्योंकि मान लो मैंने कोई चैप्टर चालू किया, फिर उनको अभी ट्रेंगल और स्टैटिक्स पढ़ाना है ना, तो दिक्कत हो जाएगी, फिर बहुत दिन बाद मेरा सेकंड लेक्चर लगेगा, तो कुछ दिमाग में नहीं उतरेगा। इसलिए आज आप लोगों की क्लास बस कैंसिल ना हो, आप लोग आवारागर्दी ना करें, इसलिए मैं आप ये मान लो कि बस बिठाल के रखा हूँ आपको, ये है उद्देश्य। तो आप मेरे को डाउट पूछो, देखते हैं मुझसे बनता है कि नहीं। हाँ पूछो भाई, पढ़ो पढ़ो। ले इतना टुच्चा, टी वन टी टू ए बी, इस सर्कल के लिए पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, इस वाले सर्कल के लिए पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी, दिस इज इक्वल टू दिस, सो दिस इज इक्वल टू दिस। ये नहीं मालूम? अब वो लकी है, लकी मतलब भाग्य, और सुहाग मतलब सौभाग्यशाली, को मिलता है सुहाग। लिखो साहब लिखो, मैं ये भी प्रूफ कर देता हूं, और ये तो मैंने मजाक मजाक में कर दिया, अब भी लो आप लिखो तो सही। आप मैथ्स की चिंता मत करो दादा, आप सुनो सुनो एक मिनट, बहुत बहुत बड़ी बात, ओ दीदी सुनो, बाहर वीडियो लैब है इतनी बड़ी, और आप देखना बैग पड़े रहते हैं, फिटजी के, रेजो के, हरितेज के, सबके, कुछ कोचिंग बैग बांटती नहीं है तो आपको पता नहीं चलता, मगर वहां के भी बैठे ही हैं, उनके रजिस्टर में उनका लिख जाएगा नाम, दूर अनंत दृष्टि कोचिंग क्लासेस। अनंत मतलब इन्फिनिटी, और दृष्टि मतलब विजन, सब दिखेंगे आपको यहीं। क्यों आते हैं ये लोग? कुछ कारण है, मेरी मैथ्स अलग है, किताबों वाली मैथ्स नहीं पढ़ाता, मैथ्स सिखा देता हूं। लिखिए इसको, जल्दी लिखो दादा, क्योंकि तुमने पहला क्वेश्चन पूछा और गलती से मुझसे बन गया। गलती से बन गया क्या? लिखो लिखो जल्दी लिखो। बातें ना करो दीदी, तुम तो बस ये लिखो जो मैंने लिखा, टी वन और टी टू ले लो, ठीक है? लिख लिया दोस्तों, एग्जैक्ट फिगर बनाया ना, ठीक है? मिटा दूं अब पूरा सब कुछ? हाँ, ये मैंने क्या लिखा, पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर, ये प्रूफ करता हूं, ठीक है? मिटा दूं, पक्का मिटा दूं पूरा, सेम टू सेम लिखा। अच्छा, पी टी स्क्वायर यहां टी टू लिखो, तो पी टी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख लो पी टी टू का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर हट गया, तो क्वेश्चन क्या था? एक सर्कल, सॉरी दो सर्कल आपस में काट रहे हैं,
उसकी जो कॉमन कॉर्ड होगी उसके किसी एक पॉइंट से दोनों सर्कल पर टेंजेंट खींची तो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी, ऐसा प्रूफ करना था। कर दिया अपन मजाक मजाक में कर दिया। मिटा दूं इसको, मिटा दूं। श्री राम श्री राम। बोर्ड पे देखना दीदी, बोर्ड पे देखना, बड़े ध्यान से बोर्ड पे देखना। बड़े ध्यान से बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। ये 90 डिग्री, ये रेडियस, ये भी क्या, ये भी क्या, देखना सही लिखा है क्या। नजरें गाड़ के रखना, थ्योरम है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं लिखूंगा नहीं कुछ, मैं मुंह से ज्यादा बोलूंगा। तो चेहरे से हाथ हटाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखो। पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी एन माइनस। अच्छा एक खास चीज, ये भी स्टार, ये भी स्टार। अरे परपेंडिकुलर डाला ना रे बाबा रे। इसका नाम रखा H, क्या नाम रखा? तो इन ट्रेंगल OAN, OAN पाइथागोरस क्या कह के गया? हाँ, इसको मैंने पुट कर दिया। कुछ दीदी कहना है, कह दो दीदी। इतनी मुस्कुराहट चेहरे पे, नहीं आज खुशी हो तो कुछ कह दो। आगे आ जाओ दीदी, यहाँ बैठो। वो बहन बेटियाँ जब साथ में बैठती हैं ना तो कुछ कुछ बातें कर लेती हैं और मुस्कुराती हैं। आ जाओ, जहाँ आ जाओ। दूसरी दीदी साफ सीधी सादी शरीफ है, फिर भी आ जाओ आप। वो क्या है कि बहन बेटियाँ, न जाने असली लक्षण कब एक्टिवेट हो जाए बातें करने का। बातें करने का हक तो सिर्फ बहन बेटियों को है ना। बोर्ड पे देखो दीदी, इतना सही लिखा है क्या? चेहरे से हाथ हटाओ। पी एन स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सही लिखा है क्या? सही है, सच में सही है क्या? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वन एक्स्ट्रा टू, ठीक है। इन ट्रेंगल ओ एन पी, इधर देख ले बे, कौन सा ट्रेंगल? जय जय सुर नायक पाइथागोरस। 90 के सामने वाला हाइपो। ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जय जय सुर नायक। एक्स्ट्रा थ्री इन ट्रेंगल पॉट। हाँ, पाइथागोरस 90 के सामने वाला हाइपो। ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर उठ के इधर चला गया। ओपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर। पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। और इसके दम पर आपका क्वेश्चन
धट उच्चा मेरी नजरों में, नजर नजर का फेर होता। डंड अच्छा ये दसवीं में है थ्योरम, कैसे बातें कर, कहीं की भी हो, काय को ट्रेंगल चैप्टर में वो सर्कल बना हुआ है, सर्कल की है, कैसी फालतू बातें कर रहे हो यार तुम। तो इलेवेंथ में तो ये चैप्टर ही नहीं है, और मैंने टेंथ के कंसेप्ट से प्रूफ किया, बार बार पाइथागोरस यूज कर रहा हूं, मैंने कहा इसमें इलेवेंथ का कोई इक्वेशन लगा दी और टेंजेंट की इक्वेशन लगा दी, ऐसा कुछ किया क्या? अरे दीदी ये प्रूफ किया और उसके यूज से वो क्वेश्चन किया, अब ये थ्योरम आती है तो वो क्वेश्चन बन गया, अब ये थ्योरम नहीं मालूम तो क्वेश्चन नहीं बन रहा। तुमने तो क्वेश्चन बोला और मैंने आंसर बोला, अरे सही बोल लिया हूं गलत बोल लिया हूं को हां। लिखो इंपोर्टेंट थ्योरम टू प्रूफ पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी वी ड्रॉन आ टेंजेंट पी टी एंड सीकेंट पी ए बी। सीकेंट कहेंगे, इंग्लिश सही बोली क्या? सुनो छापो नहीं, मैंने एकदम टेंशन फ्री आनंदित एक मिनट में प्रूफ कर दिया ना, क्योंकि मैं रट के नहीं आता, आप भी मत रटो, बहुत देर तक बोर्ड पे देखो, फिर कसम खाओ कि ऊपर नहीं देखेंगे और फिर लिखना शुरू करो। और काम की थ्योरम है ये, गलती से रह गई होगी, मिटाऊं दोस्तों मिटाऊं? हाँ मिटा दूं, पक्का मिटा दूं, एक नजर और देख लो आप लोग। यस ये सरक के बैठो ना तुम, ओए सरक, एक पे तीन बैठे हो वहां, एक पे अकेला बैठा हुआ वो, ठीक कोरा कागज खोलो, पूरी थ्योरम एक बार और करके दिखाओ विथ फोटो, एक नजर आप देख लो, देखना है तो फिर पन्ना पलट देना, फिर मत देखना, एक नजर देख लो। स्टार कंसेप्ट बहुत अच्छा होता है, मैं किसी इक्वल क्वांटिटी को स्टार स्टार लिखता हूं, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ए एम बी एम कब तक याद रखेंगे, स्टार स्टार ऐसा, एक नजर देखो और कोरा कागज पे, मतलब कागज फाड़ना नहीं, रजिस्टर से लगा रहने दो और फिगर बड़ा बनाओ, छोटे छोटे में क्या कुछ दिखाई नहीं देता, बड़ा बनाओ, जैसे मैंने सर्कल बड़ा बनाया, स्पष्ट आपको दिख रहा था, खटाखट आंसर आते चले गए, ऐसा शुरू करो भाई, पन्ना पलट लो जिससे कि दिखना बंद हो जाए। वो आप लोगों ने बगल में लिखा था ना, एक्स्ट्रा वन एक्स्ट्रा टू एक्स्ट्रा थ्री, वो कंसेप्ट भी अच्छा। कितने लोगों से प्रूफ हो गया, करना तो कलम चला, जिन लोगों से बन गया वो डाउट ढूंढो, जिनसे नहीं बना वो खुद को दो तीन गाली बको मन में। से बना, ओ हेलो हाय बना, अभी हाथ तो नहीं उठाया, पीछे वाली दीदी से बना, बना कि गुणी ना से हुआ। आपने लिखा था दीदी बगल में एक्स्ट्रा वन एक्स्ट्रा टू, उसको क्यों देख रहे हो पलट के, दीदी कल्टियों में देख रही, हो गया और होने वाला है बहुत फर्क है इसमें, तुमसे हो गया सही में, क्या बात कर रहे हो बे, क्या नाम तुम्हारा, नाम बता,
तनिष्क मुखर्जी, मेहुल सिंह, और आखिरी वाले ओए जो सड़क पे मिला था उस दिन, नाम बता। आर्यन गुप्ता। ये तीन बच्चे 10-10 बार लिख के लाएंगे ये थ्योरम, क्या ठीक है ना? वो तो आदेश जारी हो गया, फतवा जारी हो गया। इधर हाथ उठाओ बहन बेटियों में, किससे बना किससे नहीं बना। गुड़ी ना अपनी कॉपी लेकर आओ। हाँ समझाओ, इसमें कहाँ लिखा तुमने एक्स्ट्रा वन एक्स्ट्रा टू? नहीं दिखाओ ना, बगल में बताना पड़ेगा ना। वी नो दैट, डू यू नो दैट, ऐसा जाओ 10 बार लिखो इसको। एक्स्ट्रा वन एक्स्ट्रा टू यूजिंग ट्रेंगल दिस, तो स्कूल में ऐसा लिख कर आओगे इसलिए नंबर नहीं मिलते आपको। साफ साफ लिखो ना, वो चीज जो होती है ना एक्स्ट्रा वन एक्स्ट्रा टू, उसको तीन बिंदी लगा के इधर लिखते हैं, बीच में नहीं लिखते। स्कूल में शब्द यूज मत करना एक्स्ट्रा वन एक्स्ट्रा टू, उधर लिखना तुम सिंस। क्या तुम 3 बार लिख के लाना? हाँ जा, फतवे में छूट दी गई। अरे हाँ हाँ, डाउट यस, मिटा दूं इसको? मिटाई दिया मैंने, है डायलॉग है मेरा, मिटा दूं क्या? चलो पूछो भाई, तुम बेटे बेटे पूछो। डायग्राम। क्या डायग्राम? कहाँ है प्रिंटेड फॉर्म में देखा क्वेश्चन? नहीं प्रिंटेड फॉर्म में करते हम, उसमें क्या दिक्कत हो रही वैसे? क्या क्वेश्चन क्या है, वहीं बैठे बैठे समझा। ए बी सही है क्या? सेंटर से क्या 42 ऐसा, और सी डी कहाँ है? कहाँ है दिखाओ। अच्छा उसकी सेंटर से दूरी पीओ का, तो दोस्त मेरे को कुछ तो दे इधर सी डी। सी डी कुछ दिया होगा, सी फैसला कर ले तू जीवन में। ये कितना ए क्यू और पीडी जय। अच्छा ये ए बी और सी डी पैरेलल है क्या? ये दिया है क्वेश्चन में, दिया जय जय सुर नायक। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिमिलर ट्रेंगल। अब सुनो मैं क्या करूंगा, ये मैंने ऐसा का ऐसा बना दिया ओ क्यू ए, ओ क्यू ए 42 24, ये जो है ना इसको ऐसा पलटा ओ यस, इसको ऐसा घुमाया ओ पी, और ये क्या? अच्छा ये एंगल और ये एंगल सेम था, तो ये एंगल और ये एंगल तो सेम है, ये 90 तो है ही, तो तीनों का सम 180। इस चक्कर में ये वो हो गया, क्या हो गया ये पीडी 18 दिया है, ये एक्स दिया, तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन ये भी गलती से बन गया है। लिखो बाबा लिखो। अरे एक मिनट रुको, शायद मैं गलत हूं, शायद मैं गलत हूं। एडी लाइन जरूरी है क्या सेंटर से जाएगी? गलत है लग रही है मेरे को। हाँ मेरा गलत है, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हूं गलत हूं, हैंस प्रूव्ड, मुझे ये चैप्टर नहीं आता, नहीं आता, देखा हैंस प्रूव्ड हो गया।
ये क्या है आर है और ये क्या है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर, और ये जो आर है ये 18 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, इसमें से इसको घटा दो, 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर 42 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उठ के इधर आ गया, इजिकल टू आंसर 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर आंसर। वो पुराना मत लिखना, सॉरी। फिगर की गलती थी, मगर दिमाग में आया कि ये यदि पैरेलल है तो इनको फिर ये लाइन जरूरी नहीं है कि सेंटर से गुजरे। अपनी गलती खुद पकड़ ली मैंने गलती से। वहां पर आप भी स्ट्रेट लाइन मत बनाना, वहां टर्निंग हो रहा है, ओ पे टर्न ले रही है कौन, एडी, स्ट्रेट लाइन नहीं है वो, टिल्टेड हो गई है। क्वेश्चन सभी लोग सुनिए, धांसू धमाका क्वेश्चन। आपसे कह रहे हैं एक सर्कल है, उसके ऊपर PA और PB दो टेंजेंट खींची, और खास बात यह दी है कि OP इज इक्वल टू डायामीटर। तो OP डायामीटर है, मतलब OP क्या है, और मैंने कंस्ट्रक्शन किया S, बिंदु बनाया, तो OP इज इक्वल टू 2R इज इक्वल टू PS प्लस OS, तो 2R इज इक्वल टू PS प्लस R। चेहरे से हाथ हटाओ, तो PS कितो होयो, सॉल्यूशन वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू, हमको प्रूफ क्या करना है मालूम, टू प्रूव दैट ट्रेंगल PAB इज, मैं कर दूं कि तुम करोगे, एक कोशिश हो जाए, एक मिनट का समय, नहीं तो मैं 3 सेकंड में कर दूंगा। मतलब आप लोगों को कुछ गलत फहमी रह गई हो कि सुहाग को सर्कल चैप्टर नहीं आता, इसलिए बेचारा नहीं पढ़ाता होगा, गरीब आदमी तो ऐसा कुछ है नहीं, मुझे ये चैप्टर पसंद नहीं है। एक पसंद नापसंद भी तो होती है ना इंसान की। छोड़ो, सुनो जरा मेरी बात सुनो, एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA इज इक्वल टू, मैंने नाम दिया लेट थीटा। अब मुझे इक्विलेटरल प्रूफ करना है, तो इस पूरे का नाम मैंने रखा मान लो स्टार, पूरे का स्टार, क्या तो थीटा प्लस स्टार 180 डिग्री दुनिया जानती है, और चूंकि इक्विलेटरल प्रूफ करना इसलिए टू प्रूफ स्टार इज इक्वल टू क्या, तो थीटा प्लस थीटा कितना, यानी कि मुझे 3 थीटा इज इक्वल टू 3 स्टार इज इक्वल टू क्या, तो स्टार इज इक्वल टू मुझे क्या प्रूफ करना, मुझे स्टार बाई 2 कितना प्रूफ करना,
दुनिया गई गटर में, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये 90 है, इसको ऐसा पलटा। और इसको ऐसा सरका दिया। तो ओ पी, ओ पी बीच में कौन है, और ये क्या है, और ये क्या है, साइन स्टार बाय टू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ओए अपॉन ओपी, आर अपॉन क्या, 1/2 साइन 30 स्टार बाय टू 30 एंड स्प्रूट। क्वेश्चन की बेइज्जती खराब कर दो, क्या कर दो, सामने वाला दोबारा मुंह उठा के ना चले क्या, और डाउट कोई भी पूछो, हाथ उठाओ, ले डाउट ही नहीं पूछ रही है कोई, कर दूंगा यार मैं कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। दीदी अपन डाउट नहीं पूछ रहे, आप दीदी आईपीएस स्कूल वाली दीदी, अच्छा ये लिखा नहीं है, जल्दी लिखो भाई, तो बोर्ड मिटाऊंगा तभी तो सॉल्व करूंगा, सही बात है दीदी की, तुमने लिख लिया भैया, तुमने पूछा था, बन गया क्या, मैंने सही प्रूफ किया, अपन ने क्या कंसेप्ट लगाया, अपन ने ना सर्कल चैप्टर लगाया ना ट्रिग्नोमेट्री लगाई, अपन ने क्या किया, ट्रायंगल, ट्रायंगल भी नहीं लगाया, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, छोटू का डबल हाइपोटेन्यूस, अरे हा, ये मेरा क्या है कंसेप्ट बताओ, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा जिंदगी का रहस्य है, मैं आज तुम दसवीं वाले मासूम बच्चे हो फिर भी बताता हूं, सुनो सुनो सुनो, अपन बड़े हो गए, अपन कॉलेज पहुंच गए, नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, बिहेवियर है, हमने किसी लड़की को छेड़ दिया, ह्यूमन बिहेवियर है, आप लोग फिल्मों में आजकल देखते ही हो तो फिर मुझे बोलने में क्या हर्ज है, मम्मी पापा के साथ फिल्मों में देखते हो तुम, अब वो लड़की का भाई आपसे लड़ने आ गया, वो ब्लैक बेल्ट होल्डर है, क्या है कराटे में, क्या हालत करेगा अपनी, तो क्या मैं डर के भाग जाऊं, या मैं पहले ब्लैक बेल्ट होल्डर बनकर आऊं फिर लड़ूं उससे, क्योंकि बिना उसके चला गया तो वो धूम मचा देगा, तो क्या करूं मैं, हाँ अपन को क्या आता, पत्थर उठा के मार और भाग जाओ, वो हार भी गया अपन बच भी गए, अपन को ट्रिग्नोमेट्री आती है 10th class में, अपन वो लगाएंगे, पूछ तू सर्कल का क्वेश्चन, हम ट्रिग्नो से करेंगे, समझ रहे हो बात को, ग्राफ नाम का एक चैप्टर होता है, आईआईटी के अंदर 40% या 30% क्वेश्चन तो ग्राफ ग्राफ से हो जाते हैं, जबकि बच्चे उस चैप्टर को पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उस नाम से एक भी चैप्टर नहीं है, ग्राफ ग्राफ, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, लॉग, ई की पावर एक्स, वो बेहतरीन है, मैं ग्राफ ग्राफ से उचका देता हूं क्वेश्चन, बच्चे यूं देखते रहते क्या हो गया, तो हमें जो आता है ना हम उसके माहिर हैं, हम वो ही अप्लाई करेंगे, तुझे कराटे आते हैं, हमको मान लो बॉक्सिंग आती है, हम वो करेंगे, हम तेरे चक्कर में हू हा आवाजें थोड़ी निकालेंगे, अरे हा ना, चलो मिटा दूं इसको, मिटाऊं ना, और पूछो, हां दोस्त पूछो, मिनट एक मिनट,
एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए बी सी, बी के सामने वाले को कहते हैं स्मॉल बी, सी के सामने वाले को कहते हैं स्मॉल सी, ए के सामने वाले को स्मॉल ए। इतना तो आता, बोर बोलू, थोड़ा सा मेरा सर्कल गुमराह हो गया। एक मिनट, पॉइंट के नाम क्या थे? तो डी ए के सामने होगा, जहां तक मेरा मानना है, ई यहां होगा और एफ यहां होगा। देखना, डी होगा बीसी पे। हाँ, और बोलो आगे। एक मिनट, बड़ी वाई क्यों लिखूं मैं इसको एक्स बोलता हूं और ये पूरा क्या है? ए, तो बचा हुआ ये कितना? ठीक है, ठीक है, ये कितना? ये माइनस एक्स, ये भी क्या? तो ये कितना? बी माइनस बी माइनस अरे हाँ जबकि ये पूरा क्या है? तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई क्या? सी बराबर क्या? बी एफ प्लस एफ ए। अरे हुई क्या? बी ए, बी ए क्या? अबे बी ए सी है और वो बी ए को ही क्या लिख सकते? बी एफ प्लस एफ ए। सही है? अरे हाँ, टिंग 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 टिंग। मैंने भी जोड़ा, भी घटाया। तुम्हारी साइकिल पंचर हो गई थी, तुमने 10 रुपए मांगे, मैंने दे दिए। दूसरे दिन ले भी तो लिए, भी दिया भी लिया। ये पहचान कौन? टू एस। टू 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 ब्रम। अरे एक्स कौन था?
ओहिल्ले फिर बोगी अबे मुझसे। ठीक दादा। नन्ना क्या दिलों का कारवा, फिर चल दिए। दीदी क्वेश्चन क्या था ये मालूम है? क्वेश्चन ये था कि प्रूफ करो बी डी बराबर एस माइनस बी, और क्वेश्चन ये था कि एक सर्कल है वो ट्रायंगल की साइड को टच कर रहा है, और एस मतलब सेमी पेरीमीटर। टिंग 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 ना। मिटाऊं दोस्तों, मिटाऊं? अच्छा, मैंने क्या खिचड़ी बना दी, समझ में तो आ रहा है। मैं चला था बीडी से, बीडी को मैंने एक्स मान लिया, बस फिर गाड़ी अपने आप आगे चलती चली गई। डन भैया, डन भैया, डन। आगे बढ़े और पूछो। कौन पूछ रही है? बहन बेटी आप नहीं पूछ रही? हाँ मिटा दो इसको। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से। एक मिनट, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है ट्रेंगल, है ना? यानी कि ट्रेंगल बाहर है, सर्कल अंदर है। हाँ आगे पढ़ो। एक मिनट। ना एक मिनट, एक मिनट, ये फोर है ना बच्चा? अब क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, शुरू से बताना। डी ई कहां पर है ये सब? डी ई, हाँ बोलो। ए बी एंड, हाँ हाँ फिर से बोलना पूरा क्वेश्चन। सुन ले बे दीदी, फिर दोबारा बोलना। क्या लिख रही है बेवकूफ? भैया सुन ले गोलू। हाँ ले 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 ये सिक्स। अरे हाँ, मगर मगर बी इज इक्वल टू क्या? चेहरे से हाथ हटाओ। सी प्लस ओ ए सी प्लस, मैंने सही लिखा है क्या? आना ना ना ना। ये आता है?
ये बोलो, हाफ नहीं, एसी कौन है? बी। और बोलो, हाफ फोर इंटू सी, तो ये कितना हो गया? टू कॉमन आ गया, 14 प्लस बी प्लस सी, सही है क्या? एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इज इक्वल टू, एक और हरकत कर देते हैं ना अपन, 14 प्लस बी की वैल्यू क्या है? सी प्लस टू प्लस क्या? सी। बोलो क्या हो गया? स्क्वायर क्यों लगाया? अटेंडेंस शुरू हो रही है कि कंप्लीट हो गई रजिस्टर? अच्छा, जल्दी जल्दी साइन करके आगे बढ़ाओ। और लव लेटर सभी बच्चों को मिल गया था? ग्रीन कलर का एक खत भेजा था मैंने मां बाप के नाम, पाती कितने लोगों को नहीं मिल पाई, एब्सेंट है परसों, जाते समय बाहर लेके जाना और एक बाहर रजिस्टर अलग रखा, उस पर साइन करना कि मुझे रिसीव हो गया, वो परसों साइन करवा के लाना माता पिता से और उनसे कहना कि पीछे कुछ खत लिखे मेरे नाम पे, वो भी लव लेटर लिखे मेरे लिए, और उनसे कहना कि सुहाग की इंग्लिश कमजोर है इसलिए हिंदी में लिख दो। अरे ऐसा ठीक है, सुनना बड़े गौर से, टू 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 का मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2s 2s माइनस 2a 2s माइनस 2b 2s माइनस 2c अपॉन क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू सामने जो लिखा है सो लिखा है। अब मुझे बताओ कि 2s क्या है? हाँ, और b क्या है और a कितना? प्लस तो 2s बराबर क्या हो गया? तो हटाओ ना, s बराबर क्या? तो मैं ये 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, अपना तो काम बन गया ना, बोर्ड पे देखते रहे ना, ठीक है? मुझे एस मिल गया क्या? एट प्लस सी, ठीक है दादा, बोर्ड पे देखते रहे ना। तो एस माइनस ए क्या होगा? ए कितना? तो एट प्लस सी माइनस क्या? तो ये कितना? सी माइनस सिक्स क्या? हाँ हाँ, मैं पूरी दुनिया सी में ले आया, सारी दुनिया इन टर्म्स ऑफ सी। अच्छा, एस माइनस बी बोलो, एट प्लस सी माइनस क्या? एट प्लस सी माइनस क्या? सी से सी कट गया, छह बचा, छह, टेन कहां से बचा? अरे कटाना, सही बोल लियो गलत बोल लियो, इन सबको रख दो। एस की जगह क्या आया? एट प्लस सी, एस माइनस ए की जगह, एस माइनस बी की जगह, एस माइनस सी की जगह पे एट, एट एस माइनस सी,
इज इक्वल टू 16 का डोला, 8 प्लस सी काट डाला। आठ दुनी 16, दो ती अच्छे, सी अब आपके हाथों में। हाँ हाँ, 3c माइनस c, 6 3 18 माइनस के, उधर गए प्लस के, 18 और 8, सी बराबर 13 का, सी 13 मिल गया तो बी कितना मिल जाएगा? आंसर देखना, आंसर है क्या? ये भी बन गया बे। अच्छा, ये तरीका कैसा लगा? पूरी दुनिया में सी में लाया। अच्छा, ये पता कहां से चला मेरे को? वो मैंने नीचे लिखा, ए सी बराबर बी बराबर ए ई प्लस ई सी, वहां से धूम मचानी शुरू करी अपन ने। अपन को बी बराबर पता चल गया सी प्लस टू, बी बराबर क्या पता चल गया? बस ए तो 14 था ही, बी हमें पता चल गया इन टर्म्स ऑफ सी। अब पूरी दुनिया सी की टर्म्स में, इसको भी छापो नहीं, सुकून से देखो। मुझे ऐसा लग रहा अगले साल मुझे खुद सर्कल पढ़ाना चाहिए। आपने नाम सुना है अमीन सयानी? नाम सुना है अमीन सयानी? नहीं सुना? आपने ऐसा कुछ सुना है क्या कि जब दूरदर्शन का जमाना हुआ करता था, ये कोई चैनल नहीं होते थे, छत पे एंटीना रोज हिलाते थे, पापा तब नीचे दादी रामायण देख पाती थी। अरे हाँ, उस समय आपके पापा आपकी उम्र के बच्चे थे और दादी फिलहाल आपकी मम्मी है, उतनी बड़ी थी। अरे हाँ, उस जमाने में रेडियो 103.5 विविध भारती, उस पे शाम को कार्यक्रम आता था सिबा का टॉप 10। टॉप 10 गाने सुनाए जाते थे और उसमें आरजे, आरजे मतलब एंकर, उसका नाम अमीन सयानी, और उसका डायलॉग मालूम क्या होता था? बहनों और भाइयों, मोदी क्या बोलता? तो मोदी ने भाइयों और बहनों बोला, तो पहले क्या बोला? मेल। सेकंड नंबर किसको रखा? अमीन सयानी कहता था लेडीज फर्स्ट, बहनों और भाइयों। और वो उस जमाने का नंबर 1 एंकर बना। आज के आरजे को तो अपन सुनना पसंद नहीं करते, चैनल चेंज कर देते हैं, लोग उसे सुनना पसंद करते थे। और उसकी नौकरी क्यों लगी थी मालूम है? कोई और आरजे हमेशा उस कार्यक्रम को प्रेजेंट करता था और ये वहां जाके बैठ जाते थे, रोज उसको सुनते थे। एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई, किसकी? असली आरजे की। तो विविध भारती वालों ने बोला कि यार अमीन, तुम दिन भर यहीं बैठे रहते हो, आज का कार्यक्रम तुम पेश करो। और उस दिन अमीन सयानी साहब ने पेश किया, उसकी इतनी तारीफ हुई कि उस पुराने वाले की नौकरी चली गई। आज मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। अरे हाँ कि ना? मिटा दूँ इसको, मिटा दूँ? और करना है कि बस? परसों यदि सर की तबीयत ठीक हो गई तो सर आपके आगे के डाउट क्लियर करेंगे। ठीक भैया, अटेंडेंस आगे बढ़ाते रहे भाई। कहाँ अटेंडेंस? तो बोला तो कर गोलू। ध्रुव मथिया कौन है भाई? हाँ, क्या हो गया इनका? 13 तारीख को भी निकले थे घर से, पहुंचने आने के नाम पर
क्या बात कर रहे हो, आज कौन सी तारीख है? परसों तुम कहां थे बे? हैं? दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। अरे ये रजिस्टर आगे बढ़ा गोलू, बहन बेटियों तक तो पहुंचा। क्यों बहन बेटियों के ऐसे जलवे? कहाँ गायब हुई थी दीदी, बता देते मैं भी आ जाता। नहीं ऐसा कुछ हो तो बुला लिया करो मेरे को। है मैंने थोर 3 फिल्म दिखाने का वादा किया था किसको? 11वीं 12वीं ड्रॉपर, एक होमवर्क, यही वाला होमवर्क, इंटीग्रेशन और स्ट्रेट लाइन दिया था। मगर उन लोगों का बेड लक खराब की बैठ जा भाई तू, उनका बेड लक खराब क्या कि एक दिन यूटीवी एक्शन पर थोर 2 आ रही थी, वो मैं देख रहा था। मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं कि ये फिल्म बच्चों को दिखाने लायक है। बच्चों को कौन सी फिल्म दिखाई जाती है? अमिताभ बच्चन की आरक्षण, जो कोचिंग सिस्टम पर आधारित है। दूसरी कौन सी? मिल्खा सिंह, मोटिवेशनल मूवी। हाँ हाँ, तीसरी कौन सी? हीरोज, जिसमें सलमान खान है, प्रीति झिंटा है। 2007 में आई थी ये फिल्म, मोटिवेशनल। ये तीनों मैंने दिखाई है बच्चों को टॉकीज में ले जाके। अब थोर 3 में तो, 2 में तो ऐसा कुछ था नहीं। उसका हाथ कट जाता है, फिर उड़ता हुआ हाथ आके चिपक जाता। मैंने कहा ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है, तो मैंने फिल्म कैंसिल कर दी, उसकी जगह क्या कर दिया। तो भाई खाना अपन कितनी देर में खा लेंगे? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, फिर घर जाके पढ़ेंगे ना, वो फिल्म में तो 3 घंटे बर्बाद होंगे। और कोई मोटिवेशन मिल नहीं रहा, तो मैंने फिल्म कैंसिल कर दी। अच्छा किया गलत किया? अच्छा, जबकि फिल्म दिखाने में मुझे फायदा था। फिल्म की टिकट 100 रुपए की, खाने की थाली 180 की, फिर भी मैंने खाना खिलवाना पसंद किया। भाई अच्छा खाएंगे तो शरीर पर लगेगा, फिल्म देख के तो आंखें ही खराब होंगी। भैया वो अटेंडेंस रजिस्टर बाहर दे देना, और ध्रुव भैया तुम मिलके जाना बाहर, माता रानी से आइए। तुम वो लव लेटर लेके, अरे परसों सब लोग साइन करवा के लाना। आज मैंने किसी से नहीं लिया, सबसे मैं परसों लूंगा, ठीक है? पीछे जरूर खत लिखवाना। थैंक यू भाई, थैंक यू।